महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कारणों से दोनों गुटों के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे सभी शिवसेना विधायक पात्र हो गए। इस नतीजे को शिंदे गुट के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जीत का जश्न मनाते हुए थाने के टेम्भी नाका में आनंद आश्रम का दौरा किया। पिछले डेढ़ साल से शिंदे गुट के 16 और ठाकरे गुट के 14 विधायक अयोग्यता के दायरे में थे। साथ ही इस बात पर भी भ्रम पैदा हो गया कि आखिर असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने पहले शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दिया था, जिससे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को प्रामाणिक शिवसेना का निर्धारण करने का अधिकार मिल गया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कारणों से दोनों गुटों के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे सभी शिवसेना विधायक पात्र हो गए। इस नतीजे को शिंदे गुट के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जीत का जश्न मनाते हुए थाने के टेम्भी नाका में आनंद आश्रम का दौरा किया। पिछले डेढ़ साल से शिंदे गुट के 16 और ठाकरे गुट के 14 विधायक अयोग्यता के दायरे में थे। साथ ही इस बात पर भी भ्रम पैदा हो गया कि आखिर असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने पहले शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दिया था, जिससे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को प्रामाणिक शिवसेना का निर्धारण करने का अधिकार मिल गया था।